हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्थ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे प्रोटोजोआ से जितने भी होने वाले रोग हैं उनको हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स पापा काम पे सोते हैं, इसको हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। क्या है? प्रोटोजोआ से, प्रोटो से प्रोटोजोआ हो गया, अप से पापा भी हो गया, इसीलिए इसको हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ट्रिक्स क्या है? पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक्स? पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं को ऊपर से नीचे की ओर हम लोग अरेंज कर लिए हैं, अब इसको हम लोग लिखेंगे। लिखते हैं, चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं। ट्रिक्स क्या है? पापा काम पे सोते हैं। पापा से हम लोग याद रखेंगे पायरिया रोग को। क्या होता है? पायरिया रोग को, पायरिया जो जिसमें मतलब जो मुंह बदबू देने लगता है उसको पायरिया रोग कहते हैं। का से याद रखें हम लोग कालाजार को। क्या आता है? कालाजार को। म से याद रखें हम लोग मलेरिया को। म से याद रखेंगे मलेरिया को। पे से याद रखते हम लोग पेचिस को, पेचिस रोग जो प्रोटोजोआ से ही होते हैं। सोते से हम लोग याद रखेंगे सोने की बीमारी होती है, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से होते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। कभी कभी सीएचएसएल में पूछ दिया जाता है कि सोने की बीमारी मतलब जो रात में सोते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिख दिए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पोसे प्रोटोजोआ होता है, पोसे पापा होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद फ्रेंड्स।